हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम चॉकलेटी, बहुत ही टेस्टी चॉकलेट पैनकेक की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चॉकलेट पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूँगा 1/2 कप पाउडर शुगर। इसमें डालूँगा मैं 1/3 कप कर्ड यानी दही। इसमें डालूँगा मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा जब तक हमारी चीनी है वो अच्छे से घुल ना जाए। दोस्तों, चीनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर डालूँगा मैं 1/4 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। इसमें डालूँगा मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सभी को मैं फिर से मिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बैटर है वो गाढ़ा है, तो इसमें हमें दूध डालने की ज़रूरत है। तो इसमें डालूँगा मैं लगभग 1/2 कप दूध और इसको मैं फिर से मिक्स कर लूँगा और इसका अच्छा सा बैटर बना के तैयार कर लूँगा। तो दोस्तों, इसका मैंने अच्छा सा बैटर बना लिया है। अब इसके अंदर डालूँगा मैं 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। तो आप चाहें तो कोको पाउडर को मैदे के साथ भी डाल सकते हैं, तो मैंने इसको इस टाइम डाला है। तो इसको हम फिर से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा बैटर है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वनीला एसेंस नहीं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक लैडल का यूज़ करेंगे। इस लैडल से हम पैन में बैटर को पोर करेंगे। तो दोस्तों, गैस पर रख दिया मैंने एक पैन, तो उसको मुझे हल्का सा गर्म कर लेना है, एकदम मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर लेना है। और इसके ऊपर डाल देंगे हम लैडल भर के बैटर। तो पैन को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम मीडियम गर्म करना है बस हल्का सा। और इस तरह में हम इसको पैन को आगे पीछे कर देंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा बैटर हल्का सा फैल जाए। इसको मैं ढक दूंगा लगभग 10-12 सेकंड के लिए। तो 10-12 सेकंड बाद आप देखेंगे कि इसके किनारों से ये धीरे धीरे कुक होना शुरू हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम इसको नीचे से स्क्रैप कर लेंगे यानी इसे उठा लेंगे और इसको पलट देंगे। और इसको दूसरे साइड से भी मैं कुक कर लूँगा लगभग 10-15 सेकेंड तक। और गैस की फ्लेम को लो से मीडियम ही रखना है। तो पैनकेक हमारा नीचे से भी कुक हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ किसी प्लेट में। तो इसी तरह हम सारे पैनकेक बनाकर तैयार कर लेंगे। पैन में डालेंगे बैटर, इसको हल्का सा हम फैला देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं फैलाना है। और इसको हम ढक देंगे लगभग 10-12 सेकेंड के लिए और उसी प्रोसेस में हम इसे कुक कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस पैनकेक को मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो दोस्तों, सारे पैनकेक को मैंने बनाकर तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। इनको मैंने प्लेट में भी ट्रांसफ़र कर लिया है। तो हमारे पैनकेक बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आइए अब इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी व्हाइट प्लेट ली है। इसके ऊपर हम 4-5 पीस यानी 4-5 पीसेस रखेंगे पैनकेक के, एक के ऊपर एक इस तरह। अब इसके ऊपर मैं डालूँगा मेल्ट की हुई चॉकलेट। मैंने थोड़े से दूध के साथ डार्क कंपाउंड को मेल्ट कर लिया था और इसको हल्का सा ठंडा कर लिया है। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह पोर कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगा थोड़ी सी चॉप की हुई डार्क कंपाउंड, तो ये गार्निशिंग के लिए है। तो दोस्तों, हमारा पैनकेक बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।